वेलकम टू माय चैनल अबोहा। और अभी हो रहे हैं 3:30 और मेरी पहली चाय। अभी आंखों से अंदाज़ा आप लगा सकते हो, अभी मैंने फेस भी वॉश नहीं किया क्योंकि कल मैं बहुत लेट सोई थी। मैं सुबह सोई थी 6 o'clock क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया और मैं भूल गई, मैं सब भूल गई। हाँ, मुझे एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और फिर सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके सोई थी सुबह 6 o'clock कि मुझे पता था मैं लेट उठूँगी और मैं यहीं सो गई थी और मैं यहीं सो रही हूँ अब। मेरा पहले मैं अपने बेडरूम में सोती थी बट मैंने अब छोड़ दिया सोना क्योंकि मुझे अब काम करना होता तो मैं यहीं सोती हूँ। सो आज बने रहो। आज मैं भी सोच रही हूँ मैं साड़ी पहनूँ। आप लोगों ने मुझे वीडियो में नीचे कमेंट किया कि मैं साड़ी में भी बनाऊँ, बट आई हैव अ 2 साड़ी ओनली, ब्लैक वन जो पहले आपने देख ली है बॉब कट में, और सेकेंड इज दोनों ही पहन लूँगी। ठीक है, सो ओके मैं चेंज करके फिर मिलती हूँ आपको। तो जब से उठी हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और मैंने अभी तक शावर नहीं लिया। जाती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड के ये सैंडल्स लेने हैं, सो पहले मैं उसकी सिलेक्शन करवा दूँ सैंडल्स की व्हाट्सएप पे, देन जाती हूँ फिर शावर लेने, फिर मिलती हूँ आपको साड़ी में। आज अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मतलब कुछ शूट करेंगे और रील्स भी। सो मैंने सोचा था आज साड़ी पहनूंगी बट नॉट नाउ, आज मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं जा रही हूँ प्रैक्स के पास। प्रैक्स ऑफिस से ही निकल चुकी है और उसको लेने हैं सैंडल्स। और अपनी लाइफ में ना हम दोनों एक दूसरे के बिना डिसीजन नहीं लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट उसको मेरी हेल्प चाहिए। सो आई थॉट कि ठीक है तो हम जा रहे हैं वैशाली। और मेरी बहुत गंदी आदतें हैं गाइस, मैं रेडी हुए बिना कहीं नहीं निकलती, चाहे वो शॉपिंग हो या कुछ भी। ओह दिस इज लूज। अगेन तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या पहना है। पहले मैं सैंडल पहन लूँ। आज पता नहीं क्यों मैं इतना ग्लो कर रही हूँ या मैं खुश हूँ, सो मुझे अच्छा भी लग रहा है आज, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आई मैं उठी थी बहुत फ्रेश मूड में और मैंने बहुत सारे काम भी किए, बट मैं साड़ी में आपको ब्लॉग नहीं दे पाई। मैंने बहुत सारे कपड़े ट्राई किए बट फिर मुझे लगा कि ठीक है कुछ भी पहन के जा सकते हैं। साड़ी का कल साड़ी कल कर लेंगे, अभी तो मैं यही हूँ, आप भी यही हो, कहाँ जा रहे हो। सो कल साड़ी का करेंगे और आज देखते हैं प्रैक्स को सैंडल पसंद आते हैं या नहीं। एक महीने 1 month से ट्राई कर रही है। वी आर वेरी चूजी एक्चुअली गर्ल्स, हर कोई लड़की मुझे लगता है चूजी होती है। जो लड़कियाँ चूजी नहीं है ना तो प्लीज कमेंट करो। आज तो ऐसे ही ब्लॉग बन जाएगा, हम बाहर जा रहे हैं, मुझे तो बहाना चाहिए था बाहर जाने का। तो मैंने पहना है ऊपर पिंक वाला, ये मैंने पहना ही नहीं है 2-3 साल से, तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। और नीचे सो ओके मिलती हूँ मैं प्रैक्स के साथ आपको। मैं अब दूसरी जीन्स पहनी है क्योंकि वो मुझे सही नहीं लग रही थी, मुझे लगा वो शर्ट के ज़्यादा अच्छी लगेगी। बढ़िया, मैं कितनी स्लिम हो चुकी हूँ यार। ओके निकलती हूँ। की है 5 मिनट में आएगी, तब तक मैडम पहुँच गई हैं, मेरा वेट कर रही होंगी। लेट्स सी। आई लव माय हेयर एक्चुअली। जिंदगी में कोई काम मत कर लेना। सच में मैं बिना रेडी हुए कहीं नहीं निकलती ब्रो। चाइल्डहुड प्रॉब्लम भाई, आ गए हो। अब देखते क्या लेते हैं। ओके ओके नहीं डालूंगी, मैंने बोला ना मोती और मेट्रो में मिल जाते हैं, फिर कहीं और धक्के क्यों खा रही थी। राइट, इसमें ब्लैक में कितनी हील है ये वाला? अच्छा ये ब्लॉक हील है, ये तो मैंने पहन के तोड़ भी दी भैया। आपका ये कब चेंज होगा?
या ऐसे वाले शेड में हो या ब्लैक हो, लेकिन हील हो, कुछ पेंसिल हील अच्छी हील हो जो पार्टी प्रोफेशनल हर कहीं यूज हो जाए। अभी ये देख के आई है ना, 2-in-1 3-in-1 आर्टिकल चेंज नहीं हुए ना। ऐसे में एक ब्लैक 18-19 का वो साइज देखा हील का, मैं गिर जाऊंगी। इतनी क्या है, इतना ज्यादा इतनी हिल में तो चलेगी यार आराम से। इसका दे दे अच्छा इसमें दे दो, ये भी हिल पहन के ट्राई करो, वॉक करके देखो अच्छे से। बहुत कम हिल है ब्रो, इससे ज्यादा हिल में चल लूंगी मैं। कहाँ तुम चल लोगी कॉन्फिडेंट से? हाँ तो गिरी पड़ी होगी, स्विमिंग कर रही होगी कहीं। कितनी प्यारी लग रही है भैया, इसका दूसरा वाला साइज देना। साइज नहीं मतलब बहुत कंफर्टेबल ही है, बट मुझे लग रहा है क्योंकि लूज है भी ये। देना इसका दूसरा साइज देना सर। ये स्टार्टिंग हील नहीं दिखता क्या इसमें? मैं तो हील में बहुत कॉन्फिडेंटली चलती हूँ मैम। ये ट्राई करो, काम कर लेना, खुद की तारीफ कर ले पूरे व्लॉग में, काम बताना मेरे। मैं घर से रेडी होकर तेरे लिए आई हूँ ठीक है, तू ऑफिस से सीधा मुझे यहाँ टांग के लाइया। चल गई वॉक वॉक वॉक। सैंडल लेने से पहले हमेशा वॉक करके देखो, यही साइज है। इसमें चल के तो देख एक बार, चल के देख लिया मैंने, मेरे को तो दिखा चल के वॉक बेब वॉक। अच्छा लूज है तो ठीक है, परफेक्ट साइज में देखते हैं। और एक ब्लैक में भी दिखाना प्लीज, इस हील में तो तू भाग गई यार। अच्छी भी लग रही है, कलर भी अच्छा है। जो ये मेरे पास है उसके साथ सिमिलर कलर है, ये थोड़ा लाइट है ना। दिस वन इज गुड, अपन फोटो देख के बता रहे हैं। ब्लैक इज वेरी क्लासी यार, इसका वो है, इसका स्टफ भी अच्छा है ना। हाँ ये कम्फी भी होगी क्योंकि अंदर बहुत प्यारी लग रही है। ये भी पहनो, ये भी पहनो, ब्लैक इज गुड। मैं कुछ क्या बोला, क्या प्राइस है भैया इसका? ये वाला है मैम 4490। 4490 4414 की 4414 4500। कोई डिस्काउंट नहीं, इस पे कभी नहीं। सबसे भी महंगा है, हाँ ये ज़ारा से भी महंगा है दूर, बट ये तो सही दिख रहा है, बट इनकी हील्स बहुत अच्छी होती है दूर। नहीं भैया अपन क्या कर सकते, कंफर्टेबल नहीं अपन इसमें क्या कर सकते, इसमें ना बताए वो है स्पॉन्ज है अंदर। हाँ यहाँ पे आगे राइट। हेलो मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, मेट्रो भी देखने एक बार देख ले। मुझे पसंद आती है, वेरी वेरी क्यूट एंड कम्फी। और एक बार मोची देखना है, ये मोची ओ सॉरी मेट्रो। अगर हील्स को कुछ हो जाता है तो आप करके भी देते हो ना रिपेयर? ये तो रिपेयर भी रहते हैं। हाँ मेरे तो चेंज ही कर दिए थे यार सिलीगुड़ी में, उन्होंने नए ही दे दिए थे, खराब हो गई थी तो उसकी हील में प्रॉब्लम आ गई थी। आपके आर्टिकल्स चेंज क्यों नहीं हो रहे हील्स में? डेढ़ साल से बहुत कम आते ना आपके आर्टिकल्स। ब्रैक्स ये वाला
हॉस्पिटल में एडमिट करनी पड़ेगी। अब क्या करना है? वह डिस्काउंट नहीं कोई भी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। इतना बजट नहीं लेके आई लड़की हमारी। अरे बट नहीं, बट एक्चुअली लेने को तो ले लेगी, क्रेडिट कार्ड ही करना पड़ेगा तुझे स्वाइप। बिल भी करता रहा बस। नहीं भला, एक बार मेट्रो देख ले, लास्ट में कुछ पसंद नहीं आया तो उठा ले। ते दिल आ गया ना इस पे। क्या तुमने उसको बंद करो, लो पेन। मोची हमने देख लिया, अरे पसंद भी आ गई उसको ये, लेकिन एक्सपेंसिव था इतना। नहीं एक्सपेंसिव हील नहीं लेनी है, 250-300 तक भी मिल जाती तो ले लेते ना। 800 तक की भी होती ना, मैं ले लेती। सच में एक्सट्रीम था। तो अभी एक बार मेट्रो जाके देख लेते हैं और फिर देखते हैं अलग से। यहाँ हम दूसरी बार आ रहे हैं सैंडल ही ढूंढने ना। लास्ट टाइम भी सैंडल ढूंढने आने ना, और फिर लिया कहाँ से? लास्ट ईयर लिया कहाँ से? लिया ही नहीं। हिल स्टेशन अच्छी है, जाना होता है तो फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है तेरे लिए। यह वैशाली में जब एक बार कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, उसके बाद फिर कोई चीज़ पसंद नहीं आती, चाहे वो सस्ती हो या उससे भी महंगी हो। और जब एक बार कोई चीज़ पसंद हो जाती है, वो कितनी भी महंगी हो, वो रहता है कि ले 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 ले। मुझे लगता है, मैं आप लोगों से शर्त लगा रही हूँ कि ये वही वाली हील लेगी, क्योंकि इसको वो पसंद आ गई है। आई नो हर, मैं भी उसकी जगह होती वो ले लेती, बट मैं छोटी हील्स ही, मैं ज़्यादा लॉन्ग हील्स कैरी करती हूँ। उसकी दूसरी है, उसकी बड़ी वाली हील है, मोटी वाली। नहीं वो वाली हील वैसे थी ना, अगर तुम कहीं डेट पे भी जा रही हो तो तुम कैरी कर सकती हो, पार्टी में कैरी कर सकती हो, फॉर्मल पे कैरी कर सकती हो, वर्थ है भाई। टैक्सी इधर देखियो, क्या पहन रही है? दिखा कलर बहुत प्यारा है इसका। नहीं नहीं इसमें यही कहाँ है, पर बहुत प्यारी लग रही है इस समर के लिए। प्लीज कोई ब्लैक हील है आपके पास? ब्लैक के अंदर? हाँ जी, लेकिन ज्यादा हील ना हो बस, उसमें मीडियम हील। हाँ जी हाँ जी, वेरी कम्फर्टेबल, बट नॉट फॉर पार्टीज। पार्टीज के लिए नहीं है ये। ट्राई कर एक बार ये पहन के। हम एक ही पर्पज से देख रहे हैं कि फॉर्मल पे भी हो जाए, पार्टी में भी हो जाए, वैसे भी हो जाए। अच्छी लग रही है पार्टीज के लिए, बट ओनली फॉर पार्टीज। अच्छी लग रही है इसका हील वैसा है पीछे से। मेरे को अच्छी लग रही है ये। प्राइस कैसे हो? इसका प्राइस है 2490। 2490 जी। 2500 समथिंग। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, अच्छा भी लग रहा है।
देख एक चीज बोलूं, हील्स ना एक ही बार ली जाती है, तुझे पता ना मैं हील्स कितने टाइम से चला रही हूँ, है ना, और कभी कभी पहननी होती है वीकेंड्स पे या कभी वैसे गए, है ना। पार्टी वाला फोटो देख रहा है, सो मैं तुझे एक चीज बताऊं, अगर साल की इन्वेस्टमेंट की हील पे दे रही है तो 4400 तो दे ही सकते। ये भी अच्छी लग रही है बट हील बहुत मोटी है इसके पीछे। दूसरा भी ट्राई करना इसका, दूसरा भी देना सब। आपके 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 वो शिमर वाले सैंडल्स आते थे ना हील्स वाले, वो खत्म हो गए। स्काई ब्लू एंड ऑल वो मैंने सारे पहने हुए ऐसे। क्या हुआ? बैच कर रहे 7926। ये चल के तो देख इस पे, हाँ दूसरी पे पहन। पेंसिल वाले कभी दे जरा। इसकी हील ठीक है, इतने में तो चल लेगी यार, सामने से ना। हाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इतनी इतनी वाली हील भी चल जाएगी ना, इसमें तो चल रही है, इसमें चल रही है जितनी मुझे दिख रही है, इतनी ज्यादा हील नहीं है। फिर थ्री थाउजेंड भी होता तो ले लेते, फिर तो ले लेते, फिर तो मैं ही बोल देती। बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट लाइक इट। ये इसका दूसरा पैर देना सर, आप वो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना हिंदी में अमोहा डाल के, हिंदी में अमोहा, अमोहा अमोहा, हाँ जी। नाइस, वॉक कर पहले तो एक चल तो पा रही है यार इतना इजीली। प्राइस प्राइस कितना था? 3000। मुझे तो ये पसंद है, या वो ब्लैक वाली, ब्लैक ही लो। मेरा भी दिल आ गया, ये प्रीटी है, ये आगे से उसको वो थोड़ा टाइट लग रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा था। लड़कियों के साथ कभी शॉपिंग पे नहीं आना चाहिए। देखते हैं प्रैक्स कौन सी लेते हैं, लास्ट में कौन सी फाइनलाइज होती है। प्रैक्स का डील आ गया है मोची वाली हील पे, काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, रेट्रो की क्वालिटी है, बहुत बढ़िया मिल रही है। मैंने सारी पहनी हुई है, सारी शिमर वाली हील्स मैंने सारी पहनी है, मतलब शिमर वो स्काई ब्लू वाली, मेहरून शिमर वाली सब पहनी हुई है मैंने हील्स। मेट्रो मेट्रो का अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मैं मेट्रो का हील्स और मोची का हील्स मैंने कोई नहीं छोड़ा। कितना प्यारा कलर है ये, ट्राई कर क्या
ये वाला कलर दिस इज टू गुड थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा है और थोड़ा पार्टी वेयर भी है और डिसेंट क्लासी भी है और कम्फी भी है कैसी लगी छोटी सी क्लिप बना किसको भेजना ब्लैक पे बेज पे मुझे नहीं समझ आ रहा लिखा है मुझे भी नहीं समझ आ रहा हमें वही समझ आ रही थी क्या करना है तो इस साल की इन्वेस्टमेंट तो लगा ही सकती है ना मतलब अलग सा डिजाइन है बोल रहा है उसको पसंद नहीं आ रहा वो डिसेंट भी ना आया ढूंढ क्रेडिट कार्ड का स्कोर चेक कर रही हूँ क्या ये कब जाएगा आई हेट इट मैंने बोला था ना ये वही लेगी खुश पता नहीं तुझे हाँ ये ओ ले लेना यार वो बहुत अच्छा है पैक्स और उनका ये ना कि अगर तेरी हील्स को कुछ भी हो गया ना साल में भी हो गया ना तब भी वो चेंज करके देंगे मोची वालों ने मुझे बहुत हील्स वापस लिए हैं अगर उनकी हील्स में हल्का सा भी कुछ हो जाए ना या नीचे से भी जैसे हो जाता है वैसा हो जाए तो वो चेंज कर देते हैं हील्स मोची की बहुत बेस्ट सर्विस है यार सैंडल्स में और सैंडल मेरी बात बता सेम प्राइस पे ज़ारा में नहीं मिल जाएगा उससे बेटर ज़ारा में 2500-3000 समथिंग ही बट सेम नहीं मिलेगा बट क्वालिटी तो अच्छी होती है क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी क्वालिटी छोड़ डिजाइंस मिल जाएंगे सो फिर एक बार ज़ारा देख लेते हैं अभी कौन सा सैटरडे दूर है ना तो कल एक बार ज़ारा चल लेंगे लास्ट में अगर और इनके हील्स के आर्टिकल्स कैसे होते हैं मोची के हील्स के आर्टिकल्स ऐसे होते हैं ना कि पड़े ही रहते हैं मैं 2 साल हो गया सिलीगुड़ी से लिए थे अभी भी वही आर्टिकल्स हैं सो ये कहीं नहीं जाएगा इतना हरी करके मत ले फिर कल ज़ारा और फॉर एवर एक बार देख ले और शॉपर स्टॉप देख ले जहाँ से मैंने लिए थे ठीक है एज ऑलवेज हमने नहीं लिया गर्ल्स इतना इतना सोच समझ के चीज़ें ऑफकोर्स चीज़ें लेनी चाहिए सोच समझ के क्योंकि सैंडल एक ऐसी चीज़ है लड़कियों की हर कोई जो भी चीज़ है लड़कियों की बहुत ऐसी होती है चूजी हम बहुत चूजी लड़कियाँ हैं हर चीज़ में स्पेशल फॉर बॉय साफ आज मेरा फेस बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं पता है सुबह से मम्मी से मेरी बात हुई ना तो मैंने मम्मी को बोला कि मैंने बॉय ये हेयर कट करवा लिया है मम्मी बोलती और छोटे करा ले रहे थे मतलब उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था तो मैं खुश हो गई बस अच्छे प्यारे पेरेंट्स हैं मेरे यहाँ सब अच्छे हैं मेरे भाई मेरे भाभी मेरे नेफ्यू माई स्वी सिस्टर माई फादर माई मदर एंड मी लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बादाम शेक खा रहा है कौन सा था वो अब जा रहे हैं हम घर हील्स का अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्यों नहीं ली तो मैं बता दूं कि हील्स हम पिछले एक महीने से ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बट बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें देखना पड़ेगा चीज़ों को फिर जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा सो चलो घर चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे हाय हाय छोटे जो क्यों कर ले मेरा बच्चा हेलो आपको क्या हुआ बीबी क्या हुआ बीबी आपको नहीं वापस जाओ मैं खाना डालने आती हूँ सो हम घर पहुँच गए हैं अब ऊपर जाते हैं लेट्स सी खाना बनाना है अभी हमें सबसे बड़ी बात हमने सोचा था बाहर खा लेंगे बट नहीं फिर सोचा कि नहीं बाहर का नहीं खाएंगे बाहर का नहीं खाया जाता यार रोज जूस पहुंच गए और अब हमारा खाना बनाने का मूड नहीं है घर आके सुबह बना रही हूँ मटर पुलाव और मटर पुलाव बना के हम लोग मटर पुलाव इज़ वेरी इजी और बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा सो
ओके लाओ, तो मैंने ये सब डाल दिया है, अदरक, तेज पत्ता, काली मिर्च और लौंग। यस, अब मैं डालूंगी ये सारे प्याज। मैंने डाल दिया है इनमें प्याज और फिर डालूंगी ये और फिर राइस और फिर बन जाएगा। रेसिपी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सो हम लोगों को भूख लग रही है तो फटाफट ये बना, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और मैं मोस्टली रात में खाती हूँ। सो मैंने चेंज भी नहीं किया इसलिए कि फटाफट खा के तब करूँगी और फिर बैठ के आराम से एडिटिंग करूँगी। चोखा बन रहा है, ये मेरा हमारे पुलाव रेडी है, हमारा खाना रेडी है। ये मेरे पुलाव है एंड छाछ ऑल द टाइम ये प्रैक्स का है, क्योंकि प्रैक्स का अलग है कुछ और मेरा अलग है कुछ। हमारा हो गया है और अब जाते हैं सोने और मैं भी चेंज करती हूँ। सो मिलती हूँ आपको कल 12 बजे। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय गाइस, साड़ी वाला ब्लॉग रह गया, वो कल आएगा, बैक टू बैक ब्लॉग होंगे, रेडी रहना। बाय, टेक केयर।